हेलो, आवाज नहीं आ रही है, जवाब तो दीजिए। जवाब तो दो। अरे बोलो। हेलो 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 हेलो। वो देखो पीछे वाला लड़का चुपचाप बैठा है, तुम भी तो बोलो हेलो हेलो हेलो। अब कुछ आवाज आई। मैं हूँ होशियार सिंह। कौन हूँ मैं? होशियार सिंह। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, एक गांव की, जिसका नाम है कचरा गांव। क्या नाम है? कचरा गांव। हाँ, कचरा गांव। यहाँ जहाँ देखो वहाँ कचरा। आओ चले कचरा गांव। सुबह सुबह उठने का मजा कुछ और है। अरे ये क्या इतना कचरा मेरे घर के आगे कैसे? जरूर मेरे पड़ोसी ने डाला होगा। मैं भी उसके घर के आगे फेंक देता हूँ ये गया कचरा उसके घर के सामने। अरे इतना कचरा मेरे घर के सामने, ये जरूर पड़ोसी ने डाला होगा। अभी मैं जैसे कहता हूँ, मैं भी कचरा उसके घर के आगे डाल देता हूँ। अरे मेरे घर के आगे कचरा क्यों डाला? तूने डाला पहले। चुप कर, तूने डाला है। तो ले और ले कचरा, ये फेंका कचरा। जा क्या कर लेगा मेरा? मैं क्या चुप बैठूंगा? ले मैंने भी फेंका कचरा। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? इतना कचरा क्यों यहाँ वहाँ फेंक रहे हो? टीचर जी, रोज ये पड़ोसी कचरा मेरे घर के आगे फेंक देता है। झूठ बोल रहा है, ये कचरा ये फेंकता है मेरे घर के आगे। तुम दोनों पहले शांत हो जाओ, और गलती दोनों की है, क्योंकि मैं रोज देखती हूँ तुम दोनों भी कचरा कूड़ेदान में नहीं डालती, जिससे कचरा उड़कर इधर उधर बिखर जाता है और तुम दोनों के घर के सामने भी आ जाता है। अच्छा मुझे लगा ये फेंकता है। और मुझे लगा ये फेंकता है। कचरे की सही जगह कूड़ेदान में होती है, वो देखो सामने हरा और नीला डस्टबिन। नीला नीला डस्टबिन। हरे कूड़ेदान में फलों सब्जियों के छिलके पत्तियां और नीले डस्टबिन में सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक पन्नी पैकेट सकता है। अब हम समझ गए, अब से यही करेंगे। वैसे भी इधर उधर फैला कचरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और कितनी मक्खी अभी तो आती है दोस्त, जो बीमारी फैलाती है। अब से समझदारी से काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है और मेरे साथ बोलो आपकी बच्ची। बोलो बच्चों, कचरा हम न फैलाएंगे, कचरा हम न फैलाएंगे, बनाएंगे। जब गांव रहेगा हरा भरा, गांव रहेगा हरा भरा, देश लगेगा सजा सजा, देश लगेगा।